Continental GT 650, the bike responsible for bringing the cafe racer culture in India. Killer looks, great engine, but wobbling ka kya? तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस बाइक में कितना गंदा वॉबलिंग इशू आता है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि रॉयल एनफील्ड ने ये बाइक तो इतनी अच्छी डिज़ाइन की है, देखो चेसिस बिल्कुल नहीं है, इंजन भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है, बाकी इस प्राइस ब्रैकेट में ये बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन जो एक चीज़ इसे इसकी परफॉर्मेंस को आपको पूरा अप्रिशिएट नहीं करने देगी वो है इसका वॉबलिंग इशू। अब मान लीजिए हमने 650 सीसी ली है और आप इसे भगाना चाहो और पता लगे कि भाई 100-120 से ऊपर तो ये वॉबल मारती है, ये कुछ मेन नेगेटिव मुझे लगता है इस बाइक का। बाकी तो रॉयल एनफील्ड ने बाइक काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की है, बस अगर ये एक चीज़ अच्छे से डिज़ाइन कर लेते तो भाई मज़ा ही आ जाता। बाकी आप कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, बड़े से बड़े क्रिएटर ने इस बाइक के ऊपर वीडियो बना रखी है कि इस बाइक में कितना वॉबल है। मैंने ड्यूक 250 भी चलाई है, बाकी मैंने और बाइक्स भी चलाई थोड़ी बहुत, तो उनमें मुझे इशू फील नहीं आ रहा, वो काफ़ी प्लंटेड फील होती है रोड पे। इस पे तो अगर आप 100 क्रॉस करो तो ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देगी, मतलब ऐसा ऊपर नीचे उछलती रहती है, जैसे वॉल्वो बस आपने देखी हो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, बस वैसा सेम सिस्टम है इसका। अगर आप 100 या 100 से ऊपर क्रूज़ कर रहे हो और आपका रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ये देखो ये हिलती रहती है, तो उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं देती। तो मैंने YouTube में काफ़ी सर्च मारा कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है इस GT650 के वॉबलिंग के पीछे, तो जो मेन पॉइंट्स थे YouTube में सभी ने डिस्कस किए वो पहला तो था, एक तो था टायर का इशू कि अगर आपका टायर वियर आउट हो गया है तो वॉबलिंग इशू आता है, दूसरा था अगर आपके स्पोक्स लूज़ हैं तो वॉबलिंग का इशू आ सकता है, तीसरा था इसका अगर कोन सेट आपका अगर लूज़ हो तो भी वॉबलिंग करती है। देखो भाई मेरी तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, अराउंड मैंने इसमें 1897 किलोमीटर्स, इसमें भाई क्या ही टायर घिसेगा, मैं आपको एक बार रुक के भी दिखाता हूँ अपने टायर की कंडीशन। ये आप देख सकते हो अराउंड 1898 किलोमीटर्स मेरी आज तक बाइक चली है, इसमें बाइक क्या ही टायर घिसेगा इसका, आप देख सकते हो इसके ग्रूव्स अभी कितने बचे हैं, और ना मैं इतने एग्रेसिव बाइक चलाता हूँ कि भाई पूरा लीन किया है तो टायर जल्दी वेयर आउट हो, आप देख सकते हो मेरे टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छे हैं। तो फर्स्ट इशू तो भाई मेरी बाइक में बिल्कुल वो नहीं करता सूट कि भाई अगर आपके टायर हिस्से हों तो वॉबलिंग इशू आता है। बाकी दूसरा इशू था कौन सेट का, अब भाई ब्रांड न्यू बाइक में कौन सेट का इशू आया तो फिर क्या ही फ़ायदा। और YouTube में और भी रेमेडीज़ भी है कि अगर आपका सस्पेंशन ऑयल लीक हो रहा हो या फिर कम हो तो भी वॉबलिंग इशू होता है। अब देखो भाई बाइक मेरी ज़्यादा चली नहीं है, अगर सस्पेंशन लीक हो रहा होता तो मुझे ऑयल तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन में दिख ही जाता लीक होता हुआ, वैसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रांड न्यू बाइक में तेल सस्पेंशन ऑयल कहाँ है इतनी जल्दी कम होगा 1800 किलोमीटर्स पे, तो ये भी मुझे इशू नहीं लग रहा। बाकी जब मैं YouTube में इसकी वॉबलिंग की से रिलेटेड जो है इशू सर्च कर रहा था, मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि जितनी भी वीडियो थी वो सारे इंडियन मॉडल्स थे, जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस इशू को आगे लाया है वॉबलिंग वाला। तो फिर मेरे दिमाग में है कि ये बाइक एक्सपोर्ट भी होती है आपके यूरोपियन मार्केट्स में, फिर मैंने सर्च की कि कोई ऐसा यूट्यूबर पकड़ते हैं फॉरेन का जिसने इस इशू के ऊपर वीडियो बनाई हो, और आप मानोगे नहीं मुझे एक भी यूट्यूबर नहीं मिला है। इवन मैंने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, आप जानते हैं शकैफ करके एक बंदा है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं उनका नाम अच्छे से ना ले रहा हूँ, उन्होंने इंटरसेप्टर के ऊपर वो रॉ पीओवी वीडियो बनाई है, उस काफ़ी अच्छी वीडियो गई है उनकी, अराउंड 13 लाख व्यूज़ गए हैं उसमें। तो मैंने पहले उस पर भी कमेंट मारा था, लेकिन उस कमेंट पे मुझे इतना भरोसा नहीं था कि क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो मुझे लगा नहीं था रिप्लाई आएगा, लेकिन भाई मुझे उसमें भी रिप्लाई आया है शकैफ जो उन जिनका यूट्यूब चैनल है, मैं स्क्रीनशॉट सभी का डालूंगा जिनसे मेरी बात हुई है। मैंने उसमें कमेंट मारा था कि आपको ऐसा वॉबलिंग इशू फील हो रहा है, क्योंकि भाई वो जिस हिसाब से इंटरसेप्टर चला रहे थे अपने रोड्स में 120-130 पे सिंगल लेन रोड में, उनकी बाइक बिल्कुल वीडियो देख के ही पता लग जाता है बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं थी। और जब मैंने उन कमेंट में मारा कि आपकी वीडियो में ऐसा कोई वॉबलिंग का इशू तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे मना कर दी कि भाई मेरी बाइक में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, और मैंने कभी फील किया, तो मैं उनका कमेंट डाल देता हूँ आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। फिर दूसरे यूट्यूबर से मेरी बात हुई, एक मोटोलैक्स करके हैं, उनका भी मैं स्क्रीनशॉट आ रहा हूँ,
उन्हें भी मैंने पूछा कि आपको कभी इस बाइक में वॉबलिंग फील हुआ, तो उन्होंने भी मुझे साफ मना किया है। बाकी एक दो यूट्यूबर से मैंने और भी पूछा था, उनके मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं स्क्रीन शॉट सबके डाल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो एक बंदे ने तो भाई ये भी बोला था कि मैं इसे 180 से ऊपर टच की है मैंने कॉन्टिनेंटल GT, लेकिन मुझे कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ। लेकिन भाई इंडियन मॉडल्स पे पता नहीं, एक तो रीज़न हो सकता है उनके रोड बड़े अच्छे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि हमारे रोड आपको पता ही अनड्यूलेशंस रहती है, हमेशा बाइक ऊपर नीचे उछलती रहती है। तो एक मेन रीज़न तो ये हो सकता है कि हमारे भाई रोड ही अच्छे नहीं है। अगर आपको GT का मज़ा लेना है तो फ़ौरन चले जाओ कनाडा, आई एम कमिंग। मजाक साइड रखते हैं, लेकिन भाई सच में सोचने की बात है, अगर आपने कोई यूट्यूबर देखा है फॉरेन का जिसने इस इशू पे वीडियो बनाई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर उस वीडियो का लिंक दीजिए, मैं देखूंगा ज़रूर। बाकी 4-5 यूट्यूबर से मेरी बात हुई, किसी ने ऐसा वॉबलिंग का इशू नहीं बताया। और इंडियन यूट्यूबर्स तो भाई हर एक यूट्यूबर जितने भी मैंने देखे हैं हर एक ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, GT650 वॉबलिंग इशू, इसलिए आज मैं भी बना रहा हूँ। बस वैसे ही कुछ मेरी बात भी हुई यूट्यूबर से। बाकी अब GT650 का जो है इंडिया में नया वेरिएंट भी जल्दी लॉन्च होने वाला है अलॉय व्हील के साथ। काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स ने अलॉयज लगाए हैं अपनी बाइक में, तो वो यही कहते हैं कि ये स्पोक जो हमारे व्हील आते हैं इसी का इशू है, स्पोक व्हील की वजह से ये जो है ये बाइक वॉबल करती है। और भाई सेम बाइक बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें भी स्पोक व्हील हैं, उसमें तो कभी वॉबलिंग नहीं होती। वही मैंने आपको बताया तो उनके रोड अच्छे हैं। या फिर दूसरा जो मुझे पॉइंट फील हो रहा है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड शायद इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा क्वालिटी कम यूज़ करती हो, जो इसका सस्पेंशन ऑयल है वो कोई अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करती हो, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, और जो एक्सपोर्ट हो रही हो उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ हो, क्योंकि यही रीज़न हो सकते हैं। अब जो इसका नया वेरियंट आ रहा है उसमें अलॉय व्हील्स आएंगे, तब पता लग जाएगा कि भाई ये स्पोक व्हील का इशू है या फिर जो कि है हमारे अलॉय व्हील का, उससे हमको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जो नया वेरिएंट आ रहा है GT और इंटरसेप्टर का, उनमें अलॉयज होंगे, अगर भाई वो बाइक भी वॉबल मारे तब तो आप समझ जाइएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो ऐसा मेरा कुछ ओपिनियन है, बाकी एक बार हम बाइक को खींच के भी देखते हैं। ये देखिए 80, अब देखो 100 पे है, बस 100 से ऊपर जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मेरा इस बाइक पे, ये देखो उछलती रहती है ऊपर नीचे, अगर मैं इससे ऊपर जाऊं तो ज़्यादा वॉबलिंग दिखाएगी। ये देखो अराउंड 100 में चल रहा हूँ, बस ये ऊपर नीचे डांस कर रही है अब, क्योंकि भाई 650cc का इंजन है तो थोड़ा अगर बाइक थोड़ा दब के चले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो अराउंड 100 है, अगर हैंडल छोड़ूं देखो वॉबल। बाकी वीडियो कंक्लूड करते हैं, अब हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बाइक तो ये काफ़ी अच्छी है, और अगर रॉयल एनफील्ड में सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो वो रॉयल एनफील्ड नहीं। बाकी बाइक में और कोई दिक्कत तो मुझे आज तक आई नहीं, बस अगर ये वॉबलिंग का इशू जो है रॉयल एनफील्ड ठीक कर दे तो भाई मज़ा ही आ जाए इस बाइक का। जहाँ पे ये बाइक ज़्यादा वॉबल मारती हो वो मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इशू फील होगा एक्सपेंशन जॉइंट्स पे। अगर आप हाईवे पे क्रूज करते हो और आगे आपको ऐसा दिखे कि भाई एक्सपेंशन जॉइंट्स आ रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि आप बाइक स्लो कर लीजिए, वरना अगर आप सोच रहे हो कि भाई 120 पे चलाऊँ तो निकल जाऊँगा एक्सपेंशन जॉइंट से इसी स्पीड पे, तो उस टाइम अगर बाइक ने वॉबल मारा तो फिर आपका एक्सीडेंट होना पक्का है। बाकी दूसरा जो आपको एक रोड का ध्यान रखना है, देखो जैसा अभी ये रोड प्लेन है, कई जगह ये क्या करते हैं गवर्नमेंट वाले कि प्लेन रोड है आगे अगर कोई पॉट होल वगैरह हो तो उसे प्लेन करके हमेशा कभी वो तार कोन नहीं डालते अपना। आपने देखना अगर आप हाईवे क्रूज कर रहे हो ऐसा प्लेन रोड है और आगे आपको ये जो टारमैक है इसका कलर कुछ अलग सा लगे, मतलब वहाँ पे जो कि है टारमैक बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ऊपर नीचे है, तो आप वहाँ पे बाइक पहले ही स्लो कर दो, क्योंकि वहाँ पे भी बाइक जो है अनस्टेबल होती है। ये दो जगह पे आपकी बाइक ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। बाइक भगाओ, बस हैंडल मत छोड़ना, हैंडल छोड़ दिया तो फिर अगर आप इसे लेना चाहो अभी तो ले सकते हो। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अलॉय व्हील वाला जो वेरिएंट है उसका भी आप वेट कर सकते हो, क्या पता उस पर वॉबलिंग जो है ख़त्म हो जाए। तो कंक्लूड करते हैं, बाकी भाई कुछ बोलो, GT की लुक तो स्पोक में ही आती है, बस आगे अगर भगवान ने चाहा पैसे ज़्यादा आए तो मैं तो इसके लिए कस्टम स्पोक व्हील्स डिज़ाइन करूँगा जिसमें हम वाइडर सेक्शन टायर फिट कर सकें। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।